ये कल हम लोग गणेश लक्ष्मी जी का पूजा उत्सव किए होंगे और हमारे पास पुराना गणेश लक्ष्मी जी का जो पूर्वकृत होता है और साथ ही साथ ये आप देख रहे हैं इसमें कलश है यहाँ पर, ये कलश अब जो वहाँ पर उस पर पूजा का फूल है, केला का पत्ता है, बेलपत्र इत्यादि है, तो ये सब चीज़ आप घर में अपने जो गार्डन लगाए हैं ना वहाँ पर लगाइए, वहाँ पर मिट्टी पर डालिए, खाद का भी काम करेगा, साथ ही साथ भगवान का जो कृपा पूजा उत्सव होता है उसका भी फल आपको मिलेगा। गंगा जी के पास मत जाइए, वहाँ पर गंदगी होती है और उसका जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि गंगा साक्षात परब्रह्म स्वरूप नहीं है, इसलिए गंगा की स्वच्छता में सबसे अहम भूमिका कि आपको पूजा उत्सव का फल मिले तो पूजा उत्सव का जो सामान है, पुष्प है इत्यादि, वो घर में छिड़कना चाहिए। तो घर में कहाँ, तो पूजा स्थल से निकाल करके जो पूर्वांगित हो जाए वो आकर के आप यहाँ देखिए, हमारे पास ये गार्डन लगा पड़ा है हमारा, यहाँ पर हम इसको डाल रहे हैं। यहाँ डालने से क्या होगा कि आप जो भी ये खाद का भी काम कर जाएगा और साथ ही साथ आपको भगवत कृपा भी मिलेगी, कहीं पर पैर भी नहीं लगेगा और कहीं पर चुटेगा भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करके स्वच्छ गंगा के अभियान में आगे बढ़िए। स्वच्छ भारत, स्वच्छ गंगा, स्वच्छ रेल में हमारी संस्था केंद्रीय रेलवे राष्ट्रीय संघ नगर निगम के तदान्वित बराई श्री घाट पर गंगा महाआरती नमामि गंगे योजना कर रही है। आप सभी से आग्रह है कि इसी तरह स्वच्छता में आगे आइए।